चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज हम पढ़ेंगे एन सी आर टी साइंस क्लास सिक्स का चैप्टर फोर जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इंटू ग्रुप्स हेलो माई नेम इज़ प्रिया जैन फैकल्टी मेम्बर ऑफ बैक बेंचेज अकेडमी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इंटू ग्रुप्स ये पढ़कर माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी सॉर्ट मटेरियल्स येस सोचने की बात है हम मटेरियल को क्यों सॉर्ट करते हैं इज़ इट नेसेसरी और नॉट सो वी सॉर्ट मटेरियल्स टू मेक ईजियर फॉर अस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी आराम से समझ सके इसलिए हम मटेरियल्स को ग्रुप में सॉट करते हैं येस डिवाइडिंग मटेरियल्स इंटू ग्रुप्स मेक्स इट ईजी टू स्टडी देर प्रॉपर्टीज सपोज अगर सब चीज मिक्स है तो हमें समझने में या ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम बार बार ना हो इसलिए हम मटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्ट कर लेते हैं जिससे हमें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आसानी से मिल जाए और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आसानी से स्टडी कर सकें कि मटेरियल कैसा है हार्ड है या सॉफ्ट है मटेरियल का शेप कैसा है मटेरियल का कलर कैसा है सॉल्युबिलिटी मटेरियल सॉल्युबल है या नहीं है मटेरियल का नेचर कैसा है ये सब हम आसानी से समझ सकते हैं मटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्ट करने के बाद चलिए प्रीवियस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था चैप्टर वन एंड चैप्टर टू में हमने फूड के बारे में पढ़ा कि फूड कहाँ से आता है फूड में कितनी वैरायटी है फूड के टाइप्स कितने हैं सोर्सेस क्या हैं कंपोनेंट्स क्या हैं प्रॉपर बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए और कुछ टेस्ट देखें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से रिलेटेड और चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक में हमने पढ़ा क्लोथ से रिलेटेड जिसमें हमने देखा फाइबर क्या है फाइबर हमें कहाँ से मिलता है और फाइबर टू फैब्रिक के प्रोसेस क्या है हम डे टू तो डे लाइफ में कितने मटेरियल्स देखते हैं यूज़ करते हैं जैसे कि वुड से बने हुए मेटल से बने हुए ठीक है चलिए घर से स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट करो जो भी आपको मिलते हैं जैसे कि टॉयज इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस फ़ूड आइटम्स किचन आइटम स्टडी मटेरियल और उसमें से आइडेंटिफाई करो कि राउंड शेप के कौन कौन से हैं और उन्हें अलग कर लो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है बॉल फुटबॉल मार्बल्स कैप्स ऑफ बॉटल्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस अभी आपने जो मटेरियल्स पहले कलेक्ट किए थे उन्हीं में से प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है वाटर कंटेनर्स चेयर बकेट्स लंच बॉक्स टॉयज एंड पाइप्स ये दो एक्टिविटी में हमने जो मटेरियल्स कलेक्ट किए थे उनमें से राउंड शेप ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके अलग किया इन शॉर्ट हमने मटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्ट किया पर सोचने की बात है हमने कैसे सॉर्ट किया क्योंकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पता थी हमें पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि हमें राउंड शेप ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते थे इसलिए मटेरियल्स को हम ग्रुप में इसलिए सॉर्ट करते हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ सके ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स डी मटेरियल्स में भी ग्लास मेटल प्लास्टिक्स वुड कॉटन पेपर मड और सॉयल्स जो भी ऑब्जेक्ट हम हमारे आजू बाजू देखते हैं या फील करते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं शायद वो ग्लास मेटल प्लास्टिक वुड कॉटन पेपर मर्ड सॉइल इनमें से एक से बने होते हैं या एक से ज़्यादा के या फिर कोई और मटेरियल से बने होते हैं ओके इट्स एन एक्टिविटी टाइम कलेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम योर होम घर में से अलग अलग मटेरियल कलेक्ट कीजिए आप सभी ने अलग अलग मटेरियल कलेक्ट कर लिए होगे जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उन सबको सॉर्ट कर लीजिए लाइक अगर टॉयज़ है तो टॉयज़ को अलग रखिए स्टडी मटेरियल है तो उसे अलग रखिए कुछ खाने का सामान है तो उसे अलग रखिए सॉर्ट करने के बाद में आपको समझेगा कि आप हर किसी की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने कोई भी चीज़ सॉर्ट करके रखी हुई है तो और अगर आपको वो चीज़ की ज़रूरत है तो आपको हमेशा याद रहेगा और वो चीज़ आप आसानी से ढूंढ सकते हैं हमने अभी तक देखा कि मटेरियल्स क्या हैं और हम मटेरियल्स को ग्रुप में क्यों सॉर्ट करते हैं अब हम देखेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है हैव यू एवर वंडर्ड जो पाइप या रॉड होते हैं वो मेटल के ही क्यों बनते हैं वो पेपर के क्यों नहीं बनते क्योंकि मेटल में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो पेपर में नहीं होती है जैसे कि लिक्विड गैस मेटल से पास नहीं होता है और अगर हम मेटल की जगह प्लास्टिक लो लेवल प्लास्टिक या पेपर यूज़ करें तो वो ख़राब हो जाएगा मेटल टेंड्स टू बी स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड मोर ड्यूरेबल दैन प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक से ज़्यादा ड्यूरेबल स्ट्रोंग और हार्ड होता है सो इन शॉर्ट मेटल के एडवाटेजेस क्या हैं मेटल सस्टेनेबल है इनोवेटिव है मेटल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़िशियंट है रिलायबल है एंड प्रडिक्टेबल है, है. यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के चेयर हैं एक वुडन से बनी हुई और एक मेटल से बनी हुई हम हमारे नीड के अकॉर्डिंग मटेरियल चूज़ करते हैं सपोज़ अगर कोई प्लेस सूटेबल नहीं है वुड के लिए तो वहाँ हम मेटल यूज़ करेंगे और अगर जहाँ मेटल यूज़ करने में प्रॉब्लम आए तो वहाँ हम वुड यूज़ करेंगे एवर वंडर्ड जो वाटर कंटेनर्स रहते हैं वो हमेशा प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं पेपर से क्यों नहीं बनते क्योंकि प्लास्टिक मेटल ग्लास स्टील इन सब में क्वालिटी होती है वाटर को होल्ड करने की जो पेपर में नहीं होती इसलिए अकॉर्डिंग टू आर नीड हम अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं ओके क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अब हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन। सो नंबर वन है अपीरियंस अपीरियंस मतलब मटेरियल कैसा दिखता है कैसा है कैसा कलर है नंबर टू है हार्डनेस मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है नंबर थ्री है सॉल्युबिलिटी मटेरियल सॉल्युबल है या नहीं है मींस वाटर में डिजॉल्व होता है या नहीं होता है नंबर फोर है सिंक ऑब्लिक्ट फ्लोट ऑन वाटर मटेरियल पानी के ऊपर ही रहता है या पानी के अंदर चले जाता है नंबर फाइव है ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी मीन्स मटेरियल ट्रांसपेरेंट है या नहीं है चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं अपीरियंस द वे आर समथिंग लुक्स और सीम्स अपीरियंस में हम देखते हैं कोई भी मटेरियल बड़ा है या छोटा है कलर कैसा है स्ट्रक्चर कैसा है ये इमेज में देख के हम ये बता सकते हैं कि चेयर वुड की है या मेटल की है चेयर का कलर कैसा है और ये सब हम कैसे बता पाएंगे अपीरियंस की वजह से हार्डनेस हार्डनेस से हमें ये पता चलता है कि मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है जैसे कि इमेज में जब आप कॉटन को टच करोगे तो आपको एक सॉफ्टनेस ही फील आएगा बट दूसरी जगह अगर आप की को टच करोगे तो आपको एक हार्ड फीलिंग आएगी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से हमें यह पता चलता है कि मटेरियल वाटर में डिज़ोल्व होता है या नहीं होता है एग्जाम्पल शुगर सॉल्ट ये सब आराम से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं बट दूसरी तरफ अगर हम मेटल को डिज़ोल्व करना चाहें वाटर के अंदर तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है सिंक ऑब्लिक्ट फ्लोट ऑन वाटर सिंक क्या है टू गो डाउन और मेक समथिंग गो डाउन अंडर द सर्फेस ऑफ लिक्विड और अ सॉफ्ट सब्टेंस एंड फ्लोट क्या है टू स्टे ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड एंड नॉट सिंक सिंक मतलब पानी के अंदर चले जाना और फ्लोट मतलब पानी के ऊपर रहना ये इमेज में चेयर वाटर के ऊपर है क्योंकि उसका मटेरियल हार्ड है और इसे फ्लोट कहते हैं और वही दूसरी तरफ की पानी के अंदर है उसका मटेरियल भी हार्ड है पर उसका वेट कम है इसलिए वो पानी के अंदर चली गई ओके ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी में हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मतलब हम आर पार देख सकते हैं ये पानी की बॉटल के हम आर पार आराम से देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट में हम देख नहीं सकते पर लाइट पास होता है मतलब हमें ब्लर दिखता है ऐसे ही ये पेपर से हम आर पार नहीं देख सकते पर लाइट आराम से पास हो सकती है ओपेक ओपेक मीन्स जिसके थ्रू कुछ पास ही नहीं होता है जैसे कि क्लोथ या मेटल शीट प्लास्टिक शीट ओके okay? ये था हमारा आज का लेसन होप सो आप सभी को समझ आया होगा डोंट फॉगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्लीज प्रेस ऑन द बेल आइकन सो यू विल नॉट मिस एनी वीडियो बाय